नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता डॉट कॉम। बचत खाते से एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा जल्द खत्म हो सकती है, इस बात के संकेत आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने दिए। उन्होंने बताया कि बचत खातों से हर हफ्ते 24,000 रुपए निकालने के प्रतिबंध के अलावा नोटबंदी के बाद लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुद्रा की आपूर्ति और उसके प्रतिबंध का काम भी की जिम्मेदारी RBI की है और केंद्रीय बैंक ही बचत खाते से 24,000 रुपए निकालने पर लगी सीमा को हटाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही करंट अकाउंट से 24,000 रुपए प्रति सप्ताह निकालने की सीमा को खत्म कर दिया गया है। दास ने कहा कि सिर्फ कुछ लोग ही महीने में 1,00,000 रुपए से ज्यादा निकालते हैं, इसलिए यहाँ आज कोई सीमा नहीं है। दास ने यह भी कहा कि पुरानी करेंसी के बदले नई करेंसी लाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। वहीं रिजर्व बैंक का अनुमान है कि बाजार में नकदी प्रवाह का संकट लगभग खत्म हो गया है और फरवरी अंत तक यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।